दोस्तों बिग बॉस ओटीटी 2 हर बढ़ते दिन के साथ और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और शो में एंटरटेनमेंट का डोज डबल करने के लिए हाल ही में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए एल्विस यादव और आशिका भाटिया की एंट्री हुई है और ये दोनों ही कंटेंट क्रिएटर हैं और एल्विस शो में एंट्री करने के बाद से ही शो में छाए हुए हैं और घर में सभी के साथ उनका झगड़ा हो चुका है। वो अभिषेक मल्हान के बाहर भी दोस्त रहे हैं और अंदर भी आकर उनके साथ दोस्ती की अच्छी बॉन्डिंग दिखा रहे हैं और अब एक रिपोर्ट के मुताबिक एल्विस यादव के कंपटीटर और पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी भी जल्द ही घर में एंट्री ले सकते हैं। देखिए ध्रुव राठी भी शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में बिग बॉस ओटीटी 2 के घर में एंट्री करने वाले हैं और एक रिपोर्ट के जरिए ध्रुव राठी की शो में एंट्री की बात की जा रही है। हालांकि मेकर्स की ओर से ध्रुव की एंट्री की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों अंदर की खबरों की माने तो ऐसा पक्का दावा किया जा रहा है कि एल्विस यादव के कंपटीटर ध्रुव राठी की एंट्री बिग बॉस के घर में जल्द ही होने वाली है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर राजनीति समेत कई सामाजिक मुद्दों पर कंटेंट बनाकर पॉपुलैरिटी हासिल की है और वो वीडियो बनाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर दुनिया भर के ट्रेंडिंग विषयों को कवर करते हैं। लेकिन दोस्तों पर्सनली मैं अगर ध्रुव राठी और उनके कंटेंट के बारे में बात करूं तो उनका कंटेंट हमेशा ही भड़काऊ भाषण वाला होता है और वो हमेशा ही हिंदू धर्म और हिंदू समाज के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं और यही कारण है कि उनको कई बार देश छोड़कर भागना भी पड़ा है। और दोस्तों यही कारण है कि एल्विस यादव भी ध्रुव राठी को पसंद नहीं करते हैं, जिसके चलते एल्विस यादव ध्रुव राठी को कई बार रोस्ट कर चुके हैं। दोस्तों मैं तो यही चाहूंगा कि ध्रुव राठी को बिग बॉस के घर में जरूर लाया जाए ताकि एल्विस यादव ध्रुव राठी को उसकी औकात दिखा सके। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ध्रुव राठी बिग बॉस के घर में आएंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।